अहमदनगर की सीट के बारे में हमारे सामने कई पेच प्रसंग नहीं था, कोई तकलीफ नहीं थी। हमारा निर्णय कायम था क्योंकि हमारी वहाँ पे जो ताकत है वो बहुत सालों से है और वो जगह हम किसी को दे नहीं पाएंगे, ये हमें शुरू से मालूम था और शुरू से हमने उसके लिए नकार दिया था। तो सर, कांग्रेस की क्या भूमिका है, क्या कांग्रेस को मनाने में आप कामयाब रहे हैं इस सीट को? नहीं, कांग्रेस को मनाने का कोई सवाल नहीं है क्योंकि कांग्रेस को भी मालूम था कि ये सीट हम छोड़ नहीं पाएंगे और इसीलिए हमने जो निर्णय था वो हमारा कायम था। हमारा इंटरनल डिस्कशन होके हमारे उम्मीदवार का चयन भी ऑलमोस्ट हो चुका है। सर, जहाँ तक सुजय विखे पाटिल की बात करें तो कहीं ना कहीं एक धक्का लगा है कांग्रेस को और या अलायंस को, जिस तरह से वो बीजेपी में गए हैं और वहाँ का किस तरह से माहौल रहेगा नगर में? नहीं, देखो, सुजय विखे की उम्मीदवारी वो कांग्रेस से जाके बीजेपी में चले गए। अब जब कोई पार्टी बदलता है तो उसकी निष्ठा के प्रति भी चर्चा होती है और इतने पहला ही इलेक्शन पार्टी बदल के अगर कोई कर रहा है तो मुझे लगता है कि लोगों को सबसे बड़ी ये चिंता होगी कि निष्ठा का अभाव है तो क्या करें।